आज ब्लड ग्रुप से स्टार्ट करना है। हाँ जी, आज ब्लड ग्रुप से स्टार्ट करना है। वर्षा ने लॉगिन तो किया था, शी लेफ्ट आउट आई गेस सो। ऑल राइट, हमने जितना अभी तक पढ़ा, इज देयर एनी डाउट सो फार, यस और नो? ओके सॉरी, रॉन्ग क्वेश्चन। डिड यू गाइस रिवाइज? बताओ शीतल, आदर्श रिवाइज किया कुछ, यस और नो? मैम थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, ऑल राइट। ये थोड़ा थोड़ा ना, थोड़ा सा ठीक कर लो, सुधार लो ये थोड़े थोड़े वाली आदत। हाय आदिल, गुड मॉर्निंग। तो आज हमें शुरू करना है अबाउट दी ब्लड ग्रुप्स, ठीक है? ब्लड ग्रुपिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ब्लड के सारे एस्पेक्ट, ब्लड में कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है, ब्लड का फिजिकल एंड केमिकल कॉम्पोजिशन, वो सब हमने पढ़ लिया, ठीक है? ब्लड ग्रुप, चलो मुझे पहले ये बताओ कितने टाइप के ब्लड ग्रुप आप लोगों को पता है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं? ए बी ओ, चार। वेरी गुड, AB AB and O, चार, बिल्कुल सही बात है। चलो, तो वी हैव फोर मेजर ब्लड ग्रुप्स, हमें पता है। अब बहुत सारे ब्लड ग्रुपिंग, सबसे पहले किस साइंटिस्ट का नाम हमें यहाँ पे देखना है, हम पढ़ेंगे यहाँ पे दो टाइप के ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ठीक है? ABO ब्लड ग्रुपिंग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग RH फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी ब्लड ग्रुपिंग होती है, लेकिन वो सब यूनिवर्सल नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है? हमें पता है ABO में हमारे पास चार ब्लड ग्रुप्स होते हैं, AB AB एंड O। फिर इसके अलावा हमारे पास ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव इस RH की वजह से होता है, वो क्या होता है उसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो व्हेन वी टॉक्स अबाउट ABO ब्लड ग्रुपिंग, तो सबसे पहले जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुपिंग को रिपोर्ट किया था, ही वॉज कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है? ही वॉज द फर्स्ट वन हु रिपोर्टेड ABO ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है? इन्होंने क्या किया, AB and O ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किया था। AB ब्लड ग्रुप बाद में लेटर ऑन हुआ था, ठीक है? ही डिस्कवर्ड मेजरली थ्री ब्लड ग्रुप्स, AB and O। बाद में दो साइंटिस्ट थे, उनके नाम इतने इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए इस लेवल पे नहीं होते हैं, उन्होंने AB ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। नाउ क्वेश्चन ये आता है, कैसे डिफाइन होता है, कैसे पता चलता है, या व्हाट एग्जैक्टली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट वैरायटी ऑफ ब्लड ग्रुपिंग? एनीवन, एनी आइडिया सो फार? बताओ, किसको कोई आइडिया है? बताओ वर्षा, तुम बोलना चाह रही हो कुछ? आई कैन सी दैट। ओके, सी व्हाट दे फाउंड आउट, इन्होंने कैसे ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड होती है, ठीक है? वी नो वी हैव RBCs, हमने RBCs के बारे में पढ़ा। एंटीजन एंटीबॉडी का नाम सुना है आप लोगों ने, यस और नो? यस मैम, यस मैम। थोड़ा सा रफ आइडिया है कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है ना? लॉक की पैटर्न में हमने पढ़ा हुई है, अभी बेंजाइम्स में हमने जैसे लॉक की पैटर्न के बारे में बात किया था। तो व्हाट ही फाउंड आउट कि जो RBCs होते हैं, जो हमारे RBCs होते हैं, उनके मेम्ब्रेन पे ना कुछ एंटीजन होते हैं, कुछ सरफेस एंटीजन होते हैं, ठीक है? देर आर फ्यू सर्फेस एंटीजन प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन ऑफ RBCs, ठीक है? तो उन सर्फेस एंटीजन की प्रेजेंस या एबसेंस या उनका टाइप, कौन से टाइप का सर्फेस एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसके हिसाब से ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड होती है, आइदर AB AB और O। तो दो तरह के सर्फेस एंटीजन इन्होंने डिस्कवर किए ऑन दी RBCs ऑफ ह्यूमन और मेमल्स, दैट इज A and B, ठीक है? तो अगर मतलब ये मान लो, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है। जो बी ब्लड ग्रुप है उसके आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट है। सो दिस इज ए ब्लड ग्रुप, दिस इज बी। ए बी में क्या होगा, कुछ बता सकते हो? ए बी में दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए बी और बी बी, तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। व्हाट अबाउट ओ, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, है ना? तो धीरे धीरे डाइजेस्ट करो इस चीज को, इसमें नो एंटीजन। चलो, इतनी बात समझ में आई,
बिल्कुल सही बात है. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज एंटीजन्स वी कैन डिफाइन और डिफरेंशिएट ब्लड ग्रुप्स इनटू मेजर फोर कैटेगरीज, राइट. अब एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है. ऐसा बोलते हैं जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो क्या करना होता है, हम ए को ए का ही ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं, बी को बी का ही, ओ को ओ का ही, ठीक है, ए बी को सिर्फ ए बी का, यस, या किसी का भी ब्लड ग्रुप किसी में भी चढ़ा सकते हैं, यस और नो बताओ. मैम ए का ए में बी का बी में, ए का ए में बी का बी में, है ना, हमेशा मैचिंग करके किया जाता है. अगर ऐसा नहीं करोगे तो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा. आपकी बॉडी, मान लो अगर ए को आपने बी ब्लड ग्रुप चढ़ाया तो उस बी ब्लड ग्रुप को आपकी बॉडी एज अ फॉरेन सब्सटेंस लेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी और उसको किल कर देगी. सो दैट्स व्हाई हमें सिमिलर करने होते हैं. लेकिन व्हाई ऐसा क्यों होता है, बॉडी क्यों रिजेक्ट कर लेती है, इसका रीजन क्या था, ठीक है. इन्होंने क्या किया, एक और चीज इनको मिली. वी आर गोइंग टू ड्रॉ टेबल ऑन आवर ओन, वैसे वी हैव टेबल ऑन दिस स्लाइड एज वेल, हम खुद से ड्रॉ करेंगे, ठीक है. सो जस्ट लेट मी मेक द कॉलम्स फॉर यू. तो ब्लड ग्रुप हमारे पास चार होते हैं, ए बी ए बी एंड ओ, फोर ब्लड ग्रुप्स आर देयर. ए के सरफेस पे कौन सा एंटीजन था बताना जरा मुझे फटाफट से. बी ए ए एंटीजन ए था, है ना, ये आरबीसी था, इसके सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट था. कौन सा एंटीजन, ए. तो सिमिलरली बी के सरफेस पे बी बी एंटीजन, ए बी के सरफेस पे ए बी ए बी ए बी, दोनों एंटीजन प्रेजेंट थे, है ना. और ओ के सरफेस पे कुछ नहीं, नन, नो एंटीजन. इतनी बात हमने पढ़ ली. अब ये ग्राफ्ट रिजेक्शन का रीजन क्या था, कि जितने भी ब्लड ग्रुप थे ना सरफेस पे, तो आरबीसी के सरफेस पे तो एंटीजन था, लेकिन जो प्लाज्मा है, जो ब्लड का प्लाज्मा है जिसमें आरबीसी फ्लोट कर रहा है, उसमें भी कुछ देखने को मिला. उसमें थी एंटीजन की अगेंस्ट एंटीबॉडीज. तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा. अब यहां से अपने को रीजन समझ में आएगा कि क्यों रिजेक्ट होते हैं दूसरा ब्लड, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस. व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद इन आवर बॉडी. दिस इज ब्लड ग्रुप ए, मान लो दिस इज ब्लड ग्रुप ए विद ए एंटीजन, ठीक है, विद ए एंटीजन. अब ए एंटीजन और बी एंटीजन, दो ही एंटीजन प्रेजेंट है ना, जिसके कॉम्बिनेशन से चार ब्लड ग्रुप बन रहे हैं. तो होता क्या है, मेरा ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप इज ए पॉजिटिव इन माय ब्लड, मेरे आरबीसी पे ए एंटीजन है, लेकिन मेरा जो प्लाज्मा है, दिस इज माय प्लाज्मा, मेरे प्लाज्मा में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एंटीबॉडीज ऑब्जर्व की. क्या ऑब्जर्व की, एंटीबॉडीज ऑब्जर्व की. कौन सी एंटीबॉडीज ऑब्जर्व की बताओ, एंटीबॉडी बी, ठीक है, एंटी बी. क्यों, अगर मान लो मेरे सरफेस पे ए एंटीजन है और मेरे खुद के ब्लड ने एंटीबॉडी ए बना दी, मेरे खुद के ब्लड ने अगर एंटीबॉडी ए बनाएगा तो मेरी एंटीबॉडी मेरे आरबीसी को ही खा जाएगी और मेरा ब्लड खराब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए ऑपोजिट प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है, कि ए एंटीजन प्रेजेंट है और एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट है, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है. तो अब क्या होगा, मान लो तुम बी ब्लड ग्रुप चढ़ा रहे हो, तुम कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ा रहे हो, बी. बी के सरफेस पे क्या होगा, बी के सरफेस पे एंटीजन कौन सा है बताओ मुझे फटाफट. आदिल का बी ए ब्लड ग्रुप है ना, बी, ठीक है. तो इसके पास आदिल के ब्लड ग्रुप पे एंटीजन बी प्रेजेंट है. अब मैं, आदिल मेरे आसपास है और मुझे ब्लड की जरूरत पड़ गई है, तो हमने क्या किया, आदिल को बुलाया, जो ब्लड चढ़ा दो, हमें नहीं पता. लेकिन आदिल के प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी बताओ, ए मैम, ए है ना, इसकी बॉडी में प्रेजेंट है एंटी ए, बिल्कुल सही बात है. अब जब तुमने बी ब्लड चढ़ाया, तुमने एक फॉरेन ब्लड यहाँ पे चढ़ाया, तो मेरी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, एंटी बी, यस और नो, है ना, मेरी बॉडी में एंटी बी प्रेजेंट है. अब मेरी एंटीबॉडी बी क्या करेगी, जो आदिल का ब्लड चढ़ा है ना, उसके एंटीजन के साथ अटैच होके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और
आपका कॉम्प्लेक्स फिर फर्दर जो एंटीबॉडी है वो उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी, तो मेरी बॉडी ने आदिल के ब्लड ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दिया, नॉट एक्सेप्टेड जी, नहीं करना एक्सेप्ट, यानी ए को बी नहीं चढ़ा सकते क्योंकि मेरी बॉडी में एंटी बी प्रेजेंट है। चलो ठीक है, अगर मैंने फिर ए ब्लड ग्रुप चढ़ाया, मेरी सिस्टर भी थी आसपास, उसका ब्लड ग्रुप हमने चढ़ाया, बाइटी लेते हैं, ठीक है ठीक है, वो आसपास है मेरे, उसका उसके पास भी क्या है, एंटीजन ए और उसकी बॉडी में एंटी बी है, ठीक है। अब जो फॉरेन ब्लड आ रहा है, जो फॉरेन ब्लड आया है उसके पास एंटीजन ए प्रेजेंट है और मेरी बॉडी में एंटीबॉडी ए तो है ही नहीं, तो मेरी एंटीबॉडी बी एंटी ए को तो नहीं किल कर सकती, तो ये ब्लड रिजेक्ट नहीं होगा और एक्सेप्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, यस और नो एवरीवन, है ना। अब मैं बात करती हूँ किसकी, तीसरा ब्लड ए की हो गई, बी की हो गई, ए बी हो गया, ठीक है। अब ए बी चढ़ाया, चलो रेड से ले लेते हैं हम ए बी, ए बी के पास कौन कौन से एंटीजन है बताना जरा मुझे, ए बी के पास एंटीजन कौन कौन से है मैम? ओ एंटीजन ए बी एंड एंटीजन बी, यस मैम, ठीक है। ये ए बी ब्लड ग्रुप है। अब इसके पास दोनों एंटीजन है, मान लेते हैं शीतल का ब्लड ए बी है, ठीक है, नहीं वर्षा का ब्लड ए बी मानते हैं हम, शीतल का तो ओ पता है ना हमें, वर्षा का ब्लड ए बी है। अब वर्षा का ब्लड अगर मैं ट्रांसफ्यूज कराऊं तो उसके पास तो दोनों एंटीजन है, उसके खुद के ब्लड में, खुद के ब्लड में अगर एंटी ए हुई तो एंटीबॉडी ए उसी के ब्लड को किल करेगी और एंटीबॉडी बी भी उसी के ब्लड को किल कर देगी, तो जो ओ वाले ब्लड ग्रुप वाले होते हैं ना उनके प्लाज्मा में, नो एंटीबॉडी, तो ए बी वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, है ना, और मेरे पास है एंटी बी, मेरे पास है एंटी बी। जब मैं ए बी ब्लड चढ़ाऊंगी तो मेरा एंटी बी वर्षा के एंटीजन बी को किल कर देगा, वर्षा के एंटीजन बी को किल कर देगा और जिससे ए बी भी नॉट एक्सेप्टेड हो जाएगा, ए बी इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। लेकिन जब मैं ओ चढ़ाऊंगी, हम कहते हैं ना ओ इज यूनिवर्सल डोनर, ओ यूनिवर्सल डोनर क्यों होता है वो देखते हैं। जब ओ चढ़ाया, ओ के पास कोई एंटीजन होता है? नहीं नहीं, जब इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है तो मेरी एंटीबॉडी किल किसको करेगी? किसी को नहीं किल कर पाएगी क्योंकि किल करने के लिए एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, खाली का खाली आरबीसी है, कोई फॉरेन सब्सटेंस है ही नहीं, तो मेरी एंटीबॉडी इसको नहीं किल कर पाएगी और ये ब्लड एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ए को हम कौन कौन सा ब्लड चढ़ा सकते हैं? ए चढ़ा सकते हैं, ये एक्सेप्ट हुआ है, और ओ चढ़ा सकते हैं, ए बी और बी को मेरी एंटीबॉडी बी किल करना शुरू कर देगी। तो क्या ये स्लाइड सबको समझ में आई, यस और नो, जल्दी से बताओ मुझे। ऑलराइट, क्लियर है? आदर्श, आदिल? यस मैम, क्लियर है। वर्षा? यस। ओके बच्चा, हाँ बोल, क्या कह रहे हैं? ब्लड ग्रुप ए को हमने ए बी लगाया तो बी तो किल हो गया बॉडी से, ए रह गया, तो मतलब ऐसा कुछ जैसे 1 लीटर बॉडी में चढ़ाया तो आधा लीटर ही मतलब बॉडी ने एक्सेप्ट करा, आधा लीटर नहीं एक्सेप्ट ही नहीं किया क्योंकि ये आरबीसी खराब हो जाएगा, क्योंकि जो एंटी बी एंटीजन बी प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है ना, तो जब वो एंटीजन को किल करेगा तो पूरा का पूरा आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है, वो पूरे आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा, सिर्फ एंटीजन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आरबीसी की मेम्ब्रेन पे अटैच है, तो वो पूरे के पूरे आरबीसी को फॉरेन सब्सटेंस की तरह लेगा और पूरे ब्लड को ही किल कर देगा, तो वो ब्लड एक्सेप्ट ही नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि 50% एक्सेप्ट होता है। फिर मैम ए कहां से निकालेगा, इसमें से ए बी में से निकालेगा ही नहीं, पूरा पूरा आरबीसी खराब कर दिया इसने, नॉट एक्सेप्टेड, तभी तो ब्लड एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। चलो अब मैं टेबल को फिल करने में मेरी हेल्प कराओ, अगर तुम्हें समझ में आया, एंटीबॉडी ए की प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है? बी, बी, ठीक है, उल्टी, सो इसकी एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट है? एंटीबॉडी बी, बी के पास कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है? ए, तो इसके पास प्रेजेंट है एंटीबॉडी ए, ए बी के पास कौन सी एंटीबॉडी है? नो,
नो एंटीबॉडी, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है, इसके पास एक भी एंटीबॉडी होगी तो इसका खुद का ब्लड उसको किल करना शुरू कर देगा, तो नन। जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके पास कौन सी एंटीबॉडी है? ए बी, दोनों, ठीक है, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं तो इसके पास दोनों प्रेजेंट है, तो एंटी ए और एंटी बी। और यही रीजन है कि ओ किसी से ले नहीं सकता। मान लो ओ को तुमने ए ब्लड ग्रुप चढ़ाया, तो ए ब्लड ग्रुप के पास बी एंटीबॉडी होगी, ए के पास ए एंटीजन है, तुम ए चढ़ाओगे तो एंटी ए किल कर देगा, बी ब्लड ग्रुप चढ़ाओगे तो एंटी बी किल कर देगा, ए बी ब्लड ग्रुप चढ़ाओगे तो दोनों ही किल कर देंगे, ठीक है। तो तुम्हें कौन सा ब्लड चढ़ाना पड़ेगा ओ को? जिसके पास कोई भी एंटीजन ना हो, और ऐसा सिर्फ एक ही होता है ओ, ठीक है। सो दिस इज द रीजन, जो ओ होता है तुम्हारा, दिस इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, दिस इज सॉरी यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, सिर्फ डोनेट कर सकता है ये, एक्सेप्ट तो ये अपने ही से ही करेगा। और ए बी जो होता है वो सबसे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ए बी जो होता है दैट इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, चलो अब बाकी के कॉलम में हमें क्या भरना है, जो दो कॉलम मैंने बनाए हैं, डोनर ग्रुप, डोनर ग्रुप, ठीक है, एंड रेसिपिएंट ग्रुप, डोनर ग्रुप का मतलब होता है किससे ब्लड ले सकता है, ठीक है, किससे ब्लड ले सकता है, तो डोनर मतलब कैन गेट ब्लड फ्रॉम, किस किस से ले सकता है, और रिसिपिएंट यानी कैन डोनेट ब्लड टू, किसको डोनेट करेगा, ठीक है। चलो फिर से मेरी हेल्प करना, ए ए किस किस से ले सकता है बताओ, ओ से और ए से, है ना, सिर्फ ए से लेगा और ओ से लेगा, ठीक है। बी किस किस से ले सकता है, बी ओ, बी से और ओ से, अब रीजन समझ में आ गया हमें, है ना। ए बी किस से ले सकता है, ओ से, सबसे सबसे, है ना, ए से भी ले लेगा क्योंकि प्रेजेंट है, बी से भी ले लेगा, और ओ से भी, और ओ से भी, ओके। ओ किससे लेगा, ओ सिर्फ ओ से, सही, ओ से लेगा क्योंकि ये तो डोनर है, दे सबको देगा, है ना, ओ देगा सबको। तो अब देखो, अब कैन डोनेट ब्लड टू, ए किसको डोनेट कर सकता है, ए को, ए को, है ना, और ए बी को, क्योंकि ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ए बी सबसे एक्सेप्ट करता है, तो यानी ए बी तो सब में आ जाएगा, ए बी सब में आ जाएगा, जैसे ओ यहाँ पे देखो सब में है क्योंकि ओ डोनेट सबको कर सकता है ना, ए ओ डोनेट सबको करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। बी कैन डोनेट ब्लड टू, बी का रेसिपिएंट क्या होगा, ए बी हो गया और बी, ए बी तो सिर्फ ए बी को दे सकता है, ठीक है, और ओ क्या है तुम्हारा, सबको, सबको, ठीक है, ए सबको दे देगा, यानी ए बी ओ ए बी। तो ये हमारी टेबल खत्म हुई पूरी, हमने खुद से बनाई, क्या हमें ये पूरी टेबल समझ में आई, यस और नो? अब रीजन हमें पता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी का सेम कॉम्प्लेक्स हो गए तो वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो फटाफट से इस टेबल को बनाओ, जल्दी से फिनिश इट अप, एंड आफ्टर दैट विल मूव फॉरवर्ड टू दी further few things which are left in this topic and we'll start with the next topic. तो हमें ABO blood grouping समझ में आया, कैसे कौन कौन से factors होते हैं, कैसे, लेकिन हुआ क्या, even after the discovery of different type of blood grouping, because we have to match blood group before blood transfusion to avoid any kind of complication, blood disorder, blood clotting disorders हो जाते हैं, ठीक है, अंदर ही blood जम जाता है जब reject हो जाता है, तो उस disorder से बचने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा precisely, बहुत carefully cross matching कराते हैं blood groups की, even after that rejections हो रहे थे अर्लियर सेंचुरीज में, फिर भी रिजेक्शन होते हैं, साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, सेम ब्लड हम लोग ट्रांसफ्यूज करा रहे हैं तब भी रिजेक्शन हो रहे हैं। देन लेटर ऑन देयर वाज साइंटिस्ट लैंस्टर एंड लैंस्टीनर एंड वीनर, ठीक है, लैंस्टीनर एंड वीनर, हम बात कर रहे हैं अभी आर एच ब्लड ग्रुपिंग की, ठीक है, आर एच ब्लड ग्रुपिंग। तो लैंस्टीनर और वेनर ये क्या, दे वर स्टडिंग
रीसेस मंकी, ये ना कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और रीसेस मंकी के बारे में स्टडी कर रहे थे, एंड एक्सीडेंटली दे फाउंड आउट सरफेस एंटीजन, वन मोर सरफेस एंटीजन ऑन ब्लड रेड कॉर्पसेस. ठीक है, एक तो हमने ए बी एंटीजन की बात करी, इसके अलावा इन्होंने एक और एंटीजन देखा. ठीक है, तो रैनस्टीनर एंड वीनर अराउंड इन 1940 दे डिस्कवर्ड अनदर प्रोटीन. व्हाट दे डिड, दे डिस्कवर्ड अनदर प्रोटीन और एंटीजन. ठीक है, अनदर प्रोटीन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी. ठीक है, ऑफ किसके, उसी रेसिस मंकी पे, उसमें देखा इन्होंने, ये सबसे कॉमन सा मंकी होता है ना, वही होता है. ठीक है, एंड देन लेटर ऑन दे एक्सपेरिमेंटेड सेम थिंग ऑन दस फॉर फॉर मतलब ऑन ह्यूमन बींग्स एज वेल, तो एंड मेनी ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स पे भी उनको सेम एंटीजन मिला. ये एक और प्रूफ है कि जो हमारे चिंपैंजीज, जो हमारी ये सब हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, हम जो बोलते हैं ना मंकीज हमारे एंसेस्टर हैं, उनकी बॉडी में आरबीसी पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है, सेम प्रोटीन हम लोगों के आरबीसी के सरफेस पे भी प्रेजेंट होता है, और उसी प्रोटीन को हम बोलते हैं आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर और आरएच एंटीजन. ठीक है, फिर सारी पॉपुलेशन को जब ऑब्जर्व किया, वो ह्यूमन सबके पास नहीं होता, मेनी ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन जिनके सरफेस पे आरएच एंटीजन, जिनके आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, दे आर कॉल्ड एज आरएच पॉजिटिव, और जिनके सरफेस पे नहीं होता है, दे आर कॉल्ड एज आरएच नेगेटिव. जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, तो यानी उनके पास आरएच प्रेजेंट है. आरएच नेगेटिव यानी ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, तुम्हें मोस्टली पॉजिटिव ज्यादा मिलेंगे, नेगेटिव वाले बहुत कम होते हैं. ठीक है, ओ पहले बहुत रेयर होता था, अब तो ओ भी मिल जाता है, वो भी ओ पॉजिटिव ज्यादा मिलता है. क्यों? क्योंकि जो मेजर पॉपुलेशन होती है, अराउंड 80-99% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, इज आरएच पॉजिटिव. उसके अलावा जो बची हुई पॉपुलेशन है, दैट इज आरएच नेगेटिव. ठीक है, 1-10% जो पॉपुलेशन होती है वो आपकी आरएच नेगेटिव होती है. इतनी बात समझ में आई? यस और नो? ठीक है, उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट वी हैव इन आवर स्लाइड्स. सी एन आरएच नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू, राइट, बिल्कुल सही. हाँ, अब तुम्हें एक बात बताओ, थोड़ा बहुत हम लोगों ने, ये तुम्हें याद हो, जेनेटिक्स पढ़ी है हमने, राइट, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस थोड़ा बहुत याद है? ट्वेल्थ में हमने पढ़ा है. तो जो ये फॉर्मेशन ऑफ आरएच एंटीजन होता है, हमें पता है जितने भी फीचर्स होते हैं हमारी बॉडी में, दे आर कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ जीन्स, राइट, अलील पेयर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, और इट कुड बी आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव, हमने ये चीज भी पढ़ा है. तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ आरएच प्रोटीन होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरएच प्रोटीन इज कंट्रोल्ड बाय अ डोमिनेंट जीन. ठीक है, इज कंट्रोल्ड बाय अ डोमिनेंट जीन. सबको ये डोमिनेंट रिसेसिव पता है? इज देयर एनीवन जिस जो भूल गया है, आइडिया नहीं है तो मुझे बताओ. ठीक है, इज कंट्रोल्ड बाय अ डोमिनेंट जीन. तो डोमिनेंट जीन का मतलब होता है, विच इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से. तो यानी जो आरएच पॉजिटिव वाले पेशेंट है, सॉरी, जो आरएच पॉजिटिव वाला जो पर्सन है, वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी होता है, हो सकता है. क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट जीन होता है वो दोनों कंडीशंस में खुद को रिप्रेजेंट करता है. यस और नो? क्या मैं सही बोल रही हूँ? यस मैम, है ना. तो जो होमोजाइगस यानी आरआर, अगर ये पेयर है तो आरएच पॉजिटिव हो गया, और अगर ये है तो भी आरएच पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज आर इज अ डोमिनेंट जीन, तो वो खुद को इसकी प्रेजेंस में भी रिप्रेजेंट करेगा. और आरएच नेगेटिव किस केस में होगा? आरएच नेगेटिव वाले कौन से होंगे? होमोजाइगस. ठीक है, रिसेसिव. ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया ना, कैसे? यानी स्मॉल आर और स्मॉल आर. तो जो आरएच नेगेटिव वाले होंगे उनका जीनोटाइप इतना होगा. इतनी बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसा कोई फिजिकल डिफरेंस नहीं आ जाता,
कि भाई जो आरएच पॉजिटिव है वो अलग नजर आते हैं, देखने से पता चल गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल है. तुम पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला एवरीवन इज बिल्कुल सेम, देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड और द मैटर ऑफ कंसर्न. बस देयर इज वन कंडीशन जहां पे दिक्कत हो जाती है, ठीक है, जहां पे दिक्कत, तो फिनोटिपिकली यानी हमारे फिजिकल अपेयरेंस में कोई दिक्कत नहीं है. प्रॉब्लम कब अराइज होती है? प्रॉब्लम तब अराइज होती है, मान लो एक आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, आरएच पॉजिटिव वाला या कोई भी ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव कुछ भी है, इसको तुम आरएच पॉजिटिव ब्लड ही चढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैचिंग हो रही है, ठीक है. प्रॉब्लम पता है कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब उल्टा होता है, बिकॉज इसके पास वो प्रोटीन एब्सेंट है, इसके पास वो प्रोटीन एब्सेंट है. तो जब तुम आरएच नेगेटिव को बाय मिस्टेक तुमने आरएच पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो दिस इज समथिंग एब्सेंट, समथिंग इज एब्सेंट हियर सिंस चाइल्डहुड. तो जब वो आएगा बॉडी में तो नेगेटिव की बॉडी उसको एज अ फॉरेन सब्सटेंस ट्रीट करेगी, ठीक है. सो इन दैट केस दिस इज गोइंग टू एक्ट एज एन एंटीजन, तो वो उसको एज अ फॉरेन सब्सटेंस यानी एंटीजन की तरह ट्रीट करेगी और उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी और क्या करेगी, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव वाले ब्लड को रिजेक्ट कर देगा एंटीबॉडीज बना के, क्योंकि उसके पास वो प्रोटीन है ही नहीं. क्या इतनी बात समझ में आई? यस और नो? यस मैम. एवरीवन? यस मैम. आदिल, आदर्श? यस मैम. ठीक है, वर्षा क्लियर है? चलो, राइट. सो सी, सेम स्टेटमेंट इज रिटन हियर. ये प्रोटीन है आरएच पॉजिटिव, ये एब्सेंट आरएच नेगेटिव. सो एन आरएच नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज्ड टू आरएच पॉजिटिव ब्लड, तो उससे क्या होगा, नेगेटिव वाले के पास वो प्रोटीन नहीं था, वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगा आरएच एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है, और फिर उसको किल कर देगा. तो यानी अब पॉजिटिव को नेगेटिव ब्लड चढ़ा सकते हैं, ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा नहीं हो सकता. ब्लड ए बी ओ पॉजिटिव और नेगेटिव यानी 8 टाइप के हो गए ऑन द बेसिस विद दोनों को कंबाइन करके, ठीक है. हम फर्स्ट टाइप भी हम नहीं कर सकते कि पॉजिटिव को नेगेटिव दे दे. क्या दोबारा बोलो? फर्स्ट टाइम भी नहीं कर सकते कि नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप जो पर्सन है वो पॉजिटिव दे दे. एक बार कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रहे थे एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट थी तो बनने में टाइम नहीं लगा, लेकिन जब आप ऐसा करते तो एक बार जब आपने ट्रांसफ्यूज किया तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, एंटीबॉडी को टाइम लगेगा और तब तक तो ब्लड सर्कुलेट हो चुका होगा. लेकिन जब सेकेंड टाइम तुम ट्रांसफ्यूजन करोगे तब एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी क्योंकि वो ब्लूप्रिंट रीड कर चुकी है और तब तक पूरा उनका प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका होता है. तो पहला ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, दूसरा ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, उसी के बारे में मैं बताती हूँ. उसको हम बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ठीक है, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे क्या होता है, जो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन होता है विद आरएच पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, तो जो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन होगा, पहली बार तुमने फर्स्ट टाइम आरएच पॉजिटिव ब्लड टू आरएच नेगेटिव, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कराया सक्सेसफुल. क्यों? क्योंकि ब्लू प्रिंट रीड करने में एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगता है, ठीक है, तो यानी नो हार्म, कोई हार्म नहीं हुआ, ओके, बट रेसिपिएंट ने एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया कि ओके ऐसा भी है. एंटी आरएच फैक्टर फॉर्मेशन स्टार्ट्स, ओके. तो जब तुम दूसरी बार ट्रांसफ्यूजन करोगे तो आरएच पॉजिटिव ब्लड जब तुम चढ़ाओगे आरएच नेगेटिव को, ओके, एंटी आरएच ये क्या करेगा, अटैक कर देगा. और किसको अटैक करेगा? आरबीसीज पे अटैक करेगा,
ठीक है, एंड डिस्ट्रॉयज देम, और जो फॉरेन ब्लड तुमने चढ़ाया है ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर हो जाएंगे और ट्रांसफ्यूशन फेल हो जाएगा. इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? यस और नो? इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ठीक है. बट ये ऐसी इनकम्पैटिबिलिटी है, ऐसी कॉम्प्लिकेशन हम जिसको अवॉइड कर सकते हैं, है ना. हम अच्छे से मैचिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी. बट इसकी सिवियर कॉम्प्लिकेशन हमें नेचुरली कहाँ पे देखने को मिलती है? वी ऑब्जर्व दिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो नेक्स्ट इज इनकम्पैटिबिलिटी, ये नोट डाउन कर लो करना है तो अब हमें बात करनी है इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. During pregnancy, this is the same thing which is happening in case of blood transfusion. कि मान लो a female जो है, जो mother है, ठीक है, जो mother है, she is Rh negative. Mother is Rh negative. और जो mother का fetus है, जो baby है, ठीक है, जो fetus है, जो baby है Rh positive. ठीक है, अब क्या हुआ? तो कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी कोई दिक्कत नहीं आती है. व्हेन एवर अ फीमेल इज प्रेग्नेंट ना, उस केस में उनका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है. ठीक है, फीमेल को उसमें क्या हो जाएगी? उसमें फीमेल को ही तो दिक्कत होगी ना, फीटस को थोड़ी होगी. नहीं, मदर को होगी, फीटस को नहीं होगी. मदर को भी पहली बारी में नहीं होगी, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में देर आर चांसेस कि देर इज नो एक्सपोजर. ठीक है, कि पूरी 9 महीने कोई एक्सपोजर ही नहीं होता ब्लड से, ब्लड का. भाई प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल आर्टरी एंड वेन्स के थ्रू जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कैपिलरी से डिफ्यूज हो जाता है, और वेस्ट है वो भी वापसी आ जाता है. ब्लड टू ब्लड नो कॉन्टैक्ट नहीं होता, तो देर इज नो ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट. तो ब्लड की मिक्सिंग ही नहीं होती है पहली प्रेगनेंसी में, तो बेबी अच्छे से 9 महीने में बड़ा हो जाता है. बट ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी उस टाइम पे देर आर चांसेस, ड्यूरिंग डिलीवरी देर आर चांसेस, बिकॉज उस टाइम पे बॉडी में कट्स आते हैं, इंजरी होती है, तो देर आर चांसेस उस टाइम पे क्या हो जाए, बेबी का ब्लड और मदर के ब्लड की मिक्सिंग हो जाए. ठीक है, सेम चीज. तो अगर ड्यूरिंग डिलीवरी मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है, तो क्योंकि 9 महीने तो प्लेसेंटा ने अलग करके रखा हुआ है उस टाइम पे, लेकिन नहीं है. ठीक है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर, कि एक्सपोज हो गया, ऑफ आरएच पॉजिटिव विद आरएच नेगेटिव. लेकिन तब भी अगर मिक्सिंग हो जाती है तब भी पहला बेबी तो प्यार से आराम से डिलीवर हो गया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, फर्स्ट बेबी इज वेरी हेल्दी. प्रॉब्लम कब आएगी? सेकंड ट्रांसफ्यूजन हमने करा था, ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन सच केसेस, जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी. ठीक है, तो क्या होगा, मदर विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी, क्योंकि ब्लड मिक्स हो गया तो उसको मिल गया कि मुझे इसको डीकोड करना है. ठीक है, एनटीआरएच फैक्टर, ठीक है, एनटीआरएच फैक्टर आपकी बॉडी में उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, तो इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी ये लीक हो जाएंगी और डिस्ट्रॉय कर देगा बेबी के आरबीसी को. बेबी ऐसा नहीं कि बेबी विल बी डेड, नहीं, बेबी में कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी. ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ, ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज प्रेगनेंसीज के टाइम पे दीज अटैक्स फीटल आरबीसी, यानी जो बेबी होगा ना उसके रेड ब्लड सेल बड़े ही नहीं हो पाएंगे, मैच्योर ही नहीं हो पाएंगे, आरबीसी का जो फंक्शंस होता है वो पूरा ही नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, उसमें खून की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो गया. हीमोग्लोबिन की कमी को क्या बोलते हैं? अनिमिया बोलते हैं, है ना. ठीक है, सो इट कुड लीड टू फेटल डिजीज ऑफ फीटस. एक फेटल यानी बहुत डेंजरस, कि बेबी की डेथ भी हो सकती है ऑफ फीटस. ठीक है, और जॉन्डिस हो सकता है उसको, और सिवियर अनिमिया.
बहुत ही सीवियर अनीमिया, हीमोग्लोबिन ही नहीं है बच्चे में, ठीक है। दैट इज, इस बीमारी को हम बोलते हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, ठीक है। हीमोलिटिक, हीमो यानी ब्लड की डिजीज, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, HDN, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। और इस हीमोलिटिक डिजीज का स्पेसिफिक नेम क्या है, लेट मी राइट विद रेड, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ठीक है। याद रखना बीमारी के नाम दोनों सेम है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ इराइथ्रोसाइट्स, फीटालिस यानी फीटस के। सो फीटस के इराइथ्रोसाइट में जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो हीमोलिटिक डिजीज हो जाती है, यानी ब्लड में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, जॉन्डिस, अनीमिया, ये सारी कंडीशन आ जाएंगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको, यस और नो, है ना। हमें ये बात समझ में आई, लेकिन इसका ट्रीटमेंट है, हम पहले से पहले व्हेन अ फीमेल इज प्रेग्नेंट, व्हाई वी आर चेकिंग दीस थिंग्स आउट, बिकॉज़ नाउ वी हैव सॉल्यूशन व्हाट वी डज, ठीक है। हम क्या करते हैं, एनटीआरएच एंटीबॉडीज जो होती हैं मदर को फर्स्ट डिलीवरी के इमीडिएटली हम दे देते हैं, तो जिससे क्या होता है एंटीबॉडीज नहीं बन पाती है और फर्दर प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम नहीं आती है। सो इट कैन बी अवॉइडेड बाय, इट कैन बी avoided by RH, sorry, not RH, NTRH, NTRH, यानी जो NTRH बनेगा ना उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज, ठीक है, टू मदर इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। और ये तभी कर पाएंगे ना जब हमें 9 महीने में पहले से पता होगा, तभी टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, कि जी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हम पहले से ये टेस्ट करके रखते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? सो नाउ वी आर डन विद आरएच कंपैटिबिलिटी एज वेल, इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ओके, चलो उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, वी आर स्टिल स्टडिंग अबाउट द ब्लड। हमने ब्लड का फिजिकल केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ा, हमने ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ लिया, एबी और आरएच ब्लड ग्रुपिंग, सी वही है आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव मिक्सिंग ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो हम उसको सेंसिटाइज हो जाती है, मदर एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है। ये देखो बेबी की हालत देखो इस तरीके से, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकेंड प्रेगनेंसी, सब वही चीजें यहाँ पे बता रखी है। सो नेक्स्ट वी हैव कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड यानी सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान मदर को कोई परेशानी नहीं होती, मदर को बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करें क्लॉटिंग, कोगुलेशन यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कौन सा ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए, पहले मुझे ये बताओ। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में से ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है, बताओ जल्दी से। मैम प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट सेल्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो क्या होता क्या है ब्लड क्लॉटिंग में, उसकी हम बात करते हैं। व्हेनेवर देयर इज इंजरी टू द टिश्यू, मतलब तुम्हारे टिश्यू को इंजरी हुई, ठीक है, तो हमारा जो ब्लीड वूंड है बहुत टाइम तक ब्लीड नहीं करता रहता, वो रुक जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो जैसे ही कोई ब्लड वेसल रप्चर होती है वहां पे क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, कैसे बनता है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये इंजरी टिश्यू हुई तो दो चीजें यहाँ पे एक्टिवेट होती है, हम पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे। इंजर्ड टिश्यू, पहले मैकेनिज्म की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लेटर ऑन क्लॉटिंग फैक्टर की बात करेंगे। सो इंजर्ड टिश्यू इट इज एंड प्लेटलेट्स, तो जहां पे इंजरी हुई है वहां पे दो चीजें हैं, एक हमारा इंजरी वाला जगह है और एक हमारे पास प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देते हैं, डिसइंटीग्रेट होके वो एक फैक्टर रिलीज करते हैं। आई टोल्ड यू अबाउट अ फैक्टर इन द लास्ट क्लास, और मैंने बोला भी था कि आई एम गोना आस्क यू इन नेक्स्ट क्लास, कोई बता सकता है क्या रिलीज करते हैं, बताओ क्या रिलीज करते हैं, प्लेटलेट फैक्टर, ठीक है, प्लेटलेट रिलीजेस प्लेटलेट फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, बताया था लास्ट क्लास में, रिवाइज ही नहीं करते हो, कोई
ओके तो ये रिलीज करेगा ये केमिकल. सिमिलरली जो इंजर्ड टिश्यू है वो भी रिलीज करेगा व्हाट इट डज, वो भी रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन. तो प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, ये दो चीजें, ये दोनों के दोनों एक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम. तो कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी चाहिए होता है, एंड सम प्रोटीन्स, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड सम प्रोटीन्स, ठीक है. एंड व्हाट इट डज, इट फॉर्म्स एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोकाइनेज. कौन सा एंजाइम? थ्रोम्बोकाइनेज, इसे एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है. अब ये एंजाइम क्या करेगा, जैसी चोट हुई, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं करता क्योंकि एंटीकॉगुलेंट प्रेजेंट होते हैं. पिछली क्लास में मैंने हिपैरिन के बारे में बताया था कि हिपैरिन इज एन एंटीकॉगुलेंट. तो जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट होता है, खून जमने के लिए उस एंटीकॉगुलेंट को इनएक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि खून जमे ना, सॉरी ताकि खून क्लॉट, ब्लड क्लॉट हो जाए. सो इनएक्टिवेट हिपैरिन, हिपैरिन को इनएक्टिवेट कर देता ताकि ब्लड क्लॉट हो पाए एंड कॉजेस एक इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है. फर्दर यहाँ पे भी हमें कैल्शियम चाहिए होता है, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन. अब थ्रोम्बिन क्या करता है, वो सीरीज ऑफ रिएक्शन चल रही है, सब एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को कन्वर्ट कर रहा है. थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है. और फिब्रिन प्लस ब्लड सेल्स, जो खून निकल रहा है वहां से, ये कंबाइन होते हैं आपस में और क्या बनाते हैं, क्लॉट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? क्लॉट बनाते हैं. सो दिस इज हाउ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म वर्क्स. क्या ये पूरा सीरीज ऑफ रिएक्शन समझ में आया, यस और नो? ठीक है, इट इज गोइंग टू एक्टिवेट अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, ठीक है. एक के बाद एक, एक के बाद सब एक्टिवेट हो जाएंगे. इंजर्ड टिश्यू इज गोइंग टू रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन व्हिच कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन इज गोइंग टू एक्टिवेट थ्रोम्बोकाइनेज व्हिच कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन देन फिब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन एंड द फाइब्रिन विद द हेल्प ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ठीक है. द फाइब्रिन विद द हेल्प ऑफ ब्लड क्लॉट्स, व्हाट इट डज, इट इज गोइंग टू फॉर्म ब्लड क्लॉट. And this is not a complete mechanism, right? ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे clotting factors भी work करते हैं. See, damaged tissue releases certain factors, thrombokinase, prothrombin to thrombin, thrombin converts fibrinogen to fibrin, which with the help of blood clot forms, ठीक है, ब्लड क्लॉट. अब नाउ व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे वी हैव अ सीरीज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, सीरीज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स. ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है. ये फैक्टर्स मैं तुम्हें अगली क्लास में बताऊंगी, अभी फटाफट इसको नोट डाउन करो जल्दी से. व्हाट वी डिड टुडे, वी डिस्कस्ड अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, आरएच ब्लड ग्रुपिंग एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग. नाउ नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू, वी विल स्टार्ट विद द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. आई विल टेल यू द नेम ऑफ वेरियस फैक्टर्स, बट टिल देन जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक वेरी क्लियरली, बिकॉज बिफोर आई, व्हाट आई वॉन्ट यू गाइज टू डू, बिफोर मैं हार्ट शुरू करूँ आपको पढ़ाना, ठीक है, ऐसे टारगेट्स बनाया करो कि इफ आई एम डूइंग ब्लड, इफ वी आर स्टडिंग ब्लड, ठीक है, हर क्लास के बाद इफ यू आर नॉट एबल टू स्टडी और रिवाइज, तो एटलीस्ट वेन आई विल स्टार्ट विद हार्ट, ठीक है, जब मैं हार्ट पढ़ाना शुरू करूंगी, बिफोर दैट तुम लोग ब्लड पूरा रिवाइज कर लोगे. So this is your wholesome responsibility to revise and solve the previous year question, questions from module. दूसरा टॉपिक शुरू होने से पहले, ठीक है. और आदिल कल का जो भी है just note everything down from the drive or the video link, okay? Yes ma'am. All right everyone, चलो, you do have one more class. Take care, have a nice day. मिलते हैं कल. Bye bye. Bye ma'am. All right. कोकरोज वाली वीडियो. हाँ आदिल, आदिल, I'll check that out. ठीक है, and I'll let you know by tomorrow morning. Okay. All right. Bye-bye.